हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ऊपर है, सूक्ष्म जीवों के ऊपर है। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सूक्ष्म जीव है, यह दो शब्दों से मिलकर बना है, माइक्रो प्लस ऑर्गेनिज्म। अगर इनको अलग अलग कर दिया जाए, माइक्रो और ऑर्गेनिज्म, तो सबसे पहले माइक्रो का जो मतलब होता है छोटे आकार के, जिनका आकार इतना सूक्ष्म होता है, इतने छोटे आकार के होते हैं कि उनको नेक्ड आई से, खुली आंखों से अपने देख नहीं सकते। तो फिर देखने के लिए उनको जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है या इलेक्ट्रिक जो माइक्रोस्कोप है, उनकी आवश्यकता होती है और उन्हीं के माध्यम से वे दिखाई देते हैं। इसलिए सूक्ष्म आकार के जो जीव हैं वे क्या कहलाते हैं? सूक्ष्म जीव। ओके। और ऑर्गेनिज्म यानी जीव। अब ऑर्गेनिज्म का यहाँ पर मतलब क्या है बच्चों? ऑर्गेनिज्म में एनिमल और प्लांट बॉडी दोनों को ही इंक्लूड किया है। ऑर्गेनिज्म यानी जीवों से मतलब है कि उसके अंदर एनिमल और प्लांट दोनों ही ग्रुप उसके अंदर इंक्लूड हैं। जब दोनों की कंबाइंडली बात करेंगे तो ऑर्गेनिज्म यानी जीव का अपने प्रयोग करते हैं। तो ऐसे सूक्ष्म, ऐसे जीव जिनका आकार इतना छोटा है, इतने सूक्ष्म है कि नेक्ड आई से वे दिखाई नहीं देते, उनको सूक्ष्म जीव या माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। बच्चों, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये ओमनी प्रेजेंट, ओमनी प्रेजेंट का मतलब ये क्या है कि सभी प्रकार के जो हैबिटेट हैं, सभी प्रकार के जो आवास हैं उनमें ये खूब मिलते हैं। ठीक है, जल, थल, वायु सभी में इनकी जो संख्या है वो खूब मिलती है। अगर अपने यहाँ से अगर एक मुट्ठी मिट्टी अपने ले तो उस मिट्टी के अंदर हजारों लाखों की संख्या में माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं। तो बच्चों, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनकी तीन कैटेगरी हैं, तीन उनकी अलग अलग कैटेगरी हैं, प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स और एकैरियोट्स। फंडामेंटल क्लास के अंदर आप प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स के बारे में आप पढ़ते हैं। अपने फंडामेंटल जो बेसिक क्लास हैं उसमें प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में अंतर अपने पढ़ते हैं। तो बच्चों, आपको पहले से ही मालूम है कि प्रोकैरियोट्स जीव कौन से हैं, यूकैरियोट्स जीव कौन से हैं और एकैरियोट्स जीव कौन से हैं। तो प्रोकैरियोट्स, प्रो का मतलब होता है आदिम, सबसे पहले उत्पन्न होने वाले जीव प्रोकैरियोट्स, और प्रोकैरियोट्स के बाद फिर यूकैरियोट्स। ये कैसे हैं? एडवांस। ठीक है, जिनको प्रगत बोलते हैं। तो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स जीव कौन कौन से हैं, तो मैंने यहाँ पर एक टेबल बना रखी है। तो टेबल को देखने से आपको मालूम चल जाएगा कि प्रोकैरियोट्स की श्रेणी में कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, यूकैरियोट्स में कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्लूड हैं और एकैरियोट्स में कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्लूड है। तो अगर प्रोकैरियोट्स की बात करें, अपने प्रोकैरियोट्स की बात करें तो इसमें बैक्टीरिया, जिसको आप जीवाणु बोलते हैं, बैक्टीरिया जिसको जीवाणु बोलते हैं, जिनकी वजह से विभिन्न प्रकार के डिजीज या रोग पैदा होते हैं, तो बैक्टीरिया की जो श्रेणी है वो प्रोकैरियोट्स हैं। और बैक्टीरिया की तरह ही फिलामेंटस बैक्टीरिया, जिसको एक्टिनोमाइसिटीज बोलते हैं, तंतुयुक्त जो जीवाणु होते हैं, फिलामेंट्स बैक्टीरिया जिनको एक्टिनोमाइसिटीज, जैसे आर्की बैक्टीरिया, मिक्सोबैक्टीरिया, रिकेट्सी, क्लेमाइडी, स्फीरोप्लास्ट, प्रोटोप्लास्ट, एल्फोम, माइकोप्लाज्मो, जो सबसे छोटा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है पीपीएलओ जिसको बोलते हैं, माइकोप्लाज्मा, और ब्लू ग्रीन एल्गी जिसको साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं। तो बच्चों, ये जो सीरीज है, इस सीरीज में जो जीव हैं, जो ऑर्गेनिज्म हैं, वो सारे कैसे हैं? प्रोकैरियोट्स में हैं। और अब अपने बात करते हैं यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स में प्रोटोजोआ, एल्गी, फंजाई, एल्गी को शैवाल बोलते हैं, फंजाई को कवक बोलते हैं। तो प्रोटोजोआ, एल्गी एंड फंजाई, इन तीनों को यूकैरियोट्स के अंदर रखा है। अब एक है एकैरियोट्स, कौन सा? वायरस, जिसको विषाणु बोलते हैं। विषाणु भी अनेक प्रकार के रोग फैलाने का यहाँ पर काम करता है। तो वायरस जो विषाणु है उसको एकैरियोट्स के अंदर रखा है। तो बच्चों, ये एक टेबल थी जिसमें यूकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स और एकैरियोट्स की अलग अलग सीरीज दी हुई है, ताकि आपको मालूम चल जाए कि कौन सा जीव
प्रोकैरियोट्स हैं, कौन सा जीव यूकैरियोट्स हैं और कौन सा जीव, कौन सा ऑर्गेनिज्म एकैरियोट्स हैं। और अब अपने इसमें आपके अकॉर्डिंग टू सिलेबस, सिलेबस के अनुसार अपने इसमें बैक्टीरिया और वायरस ये दोनों आपके सिलेबस के अंदर हैं। तो सबसे पहले अपने बैक्टीरिया को डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे और उसके बाद फिर अपने वायरस को डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे।